हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ दांत खाज और खुजली के लिए प्याज का बहुत ही अच्छा प्रयोग, जिससे किसी भी तरह की दांत खाज और खुजली में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि आपको प्याज का कैसे प्रयोग करना है यदि कहीं पर भी दाग हो गया है। दांत खाज खुजली होना एक प्रकार का चर्म रोग होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए आप प्याज का प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा इसको ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। प्याज का आपको रस लेना है। प्याज का रस निकालने की बहुत अच्छी विधि है कि आप उसे पीस लीजिए और पीसने के बाद एक छन्नी या किसी कपड़े में उसके रस को छान लीजिए, तो उसका रस पूरी तरीके से आसानी से निकल आएगा। और इस रस को आपको उस दाद वाली जगह पर आपको लगा लेना है। 2-3 बार आप ये प्रयोग रेगुलरली करते रहिए, इससे आपको खुद ही फ़र्क तुरंत महसूस हो जाएगा। सबसे पहले तो जब आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सी चिरमिराहट होगी, और उसके बाद आप जब 2-3 बार और लगा लेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा और आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में ही इसका फ़र्क आपको दिखने लगेगा। तो जब भी किसी को दांत खाज या खुजली, इस तरह की कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कारगर है किसी भी तरह के चर्म रोग को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।